The next thing we are going to discuss today is image manipulation. Up we have students different research journals, different images or sources. So, we are concerned about how a researcher can manipulate those images. Image manipulation in a research has become an emerging type of research misconduct, which nearly 4% of the paper exhibiting some type of suspicious image alteration. Uh, चूंकि इमेज जो है उसको कोई प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के अंदर डिडक्ट नहीं करता डायरेक्टली और वो आसान होता है कंपैरेटिवली कि एक इमेज को आप थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के साथ अपनी रिसर्च के अंदर एक गाइड के तौर पर प्रेजेंट कर सकें एंड दिस कुड बी डन इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च स्पेशली इन नेचुरल साइंस रिसर्च इमेजस जो हैं और इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है उसके अंदर इमेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिए जाते हैं रादर दैन गिविंग दैम इन द सोशल साइंस रिसर्च तो वहाँ पर एक इमेज जो है उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी uh, होती है उसकी एक सोर्स औरटी होती है कि वो इमेज किसने बनाए अब कोई रिसर्चर अगर उस इमेज को अपनी रिसर्च में मैनिपुलेट करके यूज़ करता है तो वो भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है और आजकल ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है वाइल मॉडिफाइंग इमेजेस मे बी फॉर बेटर प्रेजेंटेशन परपजेज इन रिसर्च पेपर बट स्टिल द रिसर्चर शुड बी वेरी केयरफुल हम डिफरेंट इमेज़ को यूज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर सोर्स देना रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है इमेज मनीपुलेशन इज ब्रॉडली कंसिडर्ड अंडर थ्री कैटेगरीज एक्सेप्टेबल इन अप्रोप्रिएट और फ्रॉडनेट सो वट इज एक्सेप्टेबल इमेज मिनिपुलेशन सिंपली सीक टू फॉर्मेट अ पिक्चर फॉर पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स आपने परमिशन ली एक किसी सोर्स से जिसने वो उस इमेज को बनाया था और आपने उसका सोर्स देकर उस इमेज को अपने रिसर्च पेपर का हिस्सा बना लिया और लिख दिया सटिड बाय दिस दिस एंड दिस ईयर दिस एंड उसका क्रेडिट इन अप्रोप्रिएट मॉडिफाई हाउ अ इमेज वुड बी इंटरप्रेटेड। दैट इज द रिजल्ट आर नॉट चेंज बाय द मिनिपुलेशन क्या किया जा सकता है दे रिमूव द बैकग्राउंड नॉइज और अदर इंफॉर्मेशन दिस कुड बी वन एग्जाम्पल उसका कोई कलर चेंज कर दें उसका फॉर्न चेंज कर दें उसका साइज चेंज कर दें उसकी डायमेंशनस जो हैं उसको चेंज कर दें मॉडिफाई कंट्रास्ट टू ऑब्सक्योर बैकग्राउंड नॉइज देन स्प्लिटिंग डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स टुगेदर अब ये साइंस में डिफरेंट तरह की रिसर्च होती हैं जिसके अंदर आप इमेज जो है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन ला के उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको ये क्लेम कर सकते हैं कि ये आपका खुद का इमेज है लेकिन ये एक इन प्रैक्टिस होगी देन द फ्रॉडलैंड इमेज इस मॉडिफाइड एंड इफेक्ट इंटरप्रटेशन ऑफ रिजल्ट रिमूविंग अ बैन फ्रॉम द नेगेटिव कंट्रोल लैंड लाइक अब आप इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो कि साइंस टेक्नोलॉजी में की जा रही होती है उसके अंदर आप उसको क्लेम करते हैं कि यह आपने खुद ही बनाया है जबकि आपने उसके अंदर सिर्फ कोई उसकी एक आध चीज जो है वो बदलकर और उसको एज इट इज ले लिया होता है और उसका कोई सोर्स जो है वो मैंशन नहीं किया होता Importantly, scientists must be mindful of the type of image manipulation they are doing to ensure that it does not purposely or accidentally mislead their readers. यानी yani reader को कहीं पर यह नहीं लगना चाहिए कि ये इतने खूबसूरत जो image बनाए हुए हैं और उसके साथ research conduct हुई हुई है ये सारी जो है वो original खुद से बनाई हुई है या ये किसी की fraudulent है या ये एक inappropriate image इम, है All the images which are being bought or should be the accepted. और उसके अंदर प्रॉपर सोर्स और उसकी जो क्रेडिट्स हैं वो मैंशन करने बहुत ज़रूरी हैं कीपिंग अ कॉपी ऑफ द अनऑल्टेड इमेज इज ऑल्सो द स्ट्रॉग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ मिसकंडक्ट और अगर ये कहीं पे डिडक्ट हो जाता है जो ओरिजिनल उसके आ, सोर्स फाइल्स हैं वो अगर आ, किसी कोई रिसर्चर देखता है कि ये मेरी कॉपी की हुई है तो वो इसके ऊपर जो है वो केस कर सकता है इसको एक मिसकंडक्ट के क्राइम के अंदर उस रिसर्चर को आ, जो है वो एक्यूज किया जा सकता है

हम बाज़ात किसी की कोई जो है वो उसकी बनाई हुई कोई डिटेल उसने रिसर्च में कोई डायाग्राम दी हुई है उसने रिसर्च के अंदर कोई मॉडल प्रोड्यूस किया हुआ है वो हम ले लेते हैं और उसने किसी थेरी के बेस पे बनाया हुआ है और हम रिज्यूम करते हैं कि ये जो है वो ओरिजिनल जो रिसर्चर है जिसकी ये थेरी है ये उसका मॉडल है लेकिन इनफैक्ट वो उसका मॉडल नहीं होता उसके मॉडल को कंसेप्चुलाइज जो है वो किसी और रिसर्चर ने किया होता है तो वहाँ पर हमें उसको प्रॉपर सोर्स और क्रेडिट देना बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी एबल टू कम्पेयर ओरिजिनल इमेज टू द मेन्यूस्क्रिप्ट फिगर बिफोर सबमिटिंग इट फॉर द पब्लिकेशन टू इंश्योर दैट द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हैज नॉट इन एविडेंटली बींग प्रोसेस्ड आउट तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी कोई रिसर्च पब्लिकेशन की फेस पे जाए तो वहां पर जो भी उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज को इंश्योर करें कि जो सोर्सेज हैं ये ओरिजिनल हैं ये ऑथेंटिक हैं एंड दे आर नॉट बी कॉपीड फ्राम एनी वन अर्स बिसाइड्स गिविंग द ड्यू क्रेडिट एंड ग्रीडेंशल्स फॉर द मेन ऑथर सो इन चीज़ों को इंश्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ डेटा की म्यूनिपलेशन को ना देखें बल्कि उसके साथ साथ इमेज म्यूनिपुलेशन जो है उसको भी अपनी कंसिड्रेशन का हिस्सा बनाएं